आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है बेर के फायदे के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे कि बेर जो एक एक फल होता है उसको खाने के क्या फ़वाद होते हैं। तो बेर जो है नॉर्मली इसके बारे में इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता, इसको बाकी फ्रूट्स की तरह उस तरीके से बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई भी नहीं किया जाता, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। ये बहुत ज़्यादा गज़ाइत से भरपूर होता है, जिसमें सबसे पहले तो ये कि ये बहुत ज़्यादा लो कैलोरिक होता है। इसके आप जो एक बेर के अंदर बहुत कम कैलोरीज होती हैं, तकरीबन 79 कैलोरीज आपको मिलती हैं, और प्लस ये है कि ये फाइबर बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्वांटिटी में मौजूद होता है, तो ये इस वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। प्लस इसके अंदर विटामिन सी की बहुत ज़बरदस्त क्वांटिटी होती है, तकरीबन हमारे जो डेली की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है उसका जो है ये 77% जो है पूरा कर सकता है। प्लस इसके अंदर पोटेशियम की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है, और हमारे दिन की जो पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है उसका 5% जो है ये पूरा कर सकता है। तो इस लिहाज से बेर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर जो है तकरीबन 10 ग्राम तक होता है। तो पेट के जितने भी मसाइल होते हैं, पेट के हाजमे के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसमें जो फाइबर होता है वो हेमी सेलुलोज सेलुलोज होता है, इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जो कि डाइजेशन के लिए भी आपको आपकी डाइजेशन को अच्छा करता है, और कब्ज़ वगैरह के लिए भी काफ़ी ये फ़ायदेमंद होता है। दूसरा ये कि इसके अंदर विटामिन सी की इतनी अच्छी क्वांटिटी होने की वजह से, और उसके अलावा और भी इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, सिलेनियम, ये सारे मिनरल्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, तो ये आपकी कुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जिन लोगों की कुव्वत मदाफ़ियत कम है तो वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके अलावा पोटेशियम रिच होने की वजह से ये पोटेशियम से रिलेटेड जो मसाइल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस यानी नमकियात की जो कमी हो रही होती है उसको पूरा करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। प्लस जो है हमारे मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। हार्ट के कुछ मसाइल होते हैं, जैसे बीपी, अगर सोडियम ज़्यादा हो रहा होता है तो उसको काउंटर करने के लिए भी ये अच्छा होता है। और प्लस ये है कि इसके प्रूवन रिज़ल्ट हैं एनजाइटी और डिप्रेशन के लिए, या जिन लोगों को नींद के मसाइल होते हैं, जिनको नींद नहीं आ रही होती, तो वो अगर बेर का इस्तेमाल करते हैं तो उनका काफ़ी हद तक जो है इससे फ़ायदा होता है। और इसका एक फ़ायदा जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होती है। और कुछ तरह के कैंसर्स जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर्स, कोलोन कैंसर्स, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत तरह के अल्सर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जैसे जो आँतों के अल्सर्स होते हैं वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।